21वीं सदी के तीसरे दशक का जो दौर है अभी बुरे हमलों का दौर है। दुनिया में गाजा पहले से ही विनाशकारी बमबारी की चपेट में है। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, रूस और यूक्रेन, फलिस्तीन इजराइल संघर्ष, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ जैसे लगते हैं जो एक सदी के बीच के पन्ने में थोड़े से दागदार, थोड़े से संघर्षों से भरे नजर आते हैं। आपको याद होगा, आप याद करें कि इजराइल और फलस्तीन का संघर्ष जो कई सालों से हमारे सामने से गायब था, एकाएक फिर से हमारे सामने खड़ा है। और एक दिन पहले ही भारत में अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत का अगर स्पीच सुने और उनकी परिभाषाएं सुने दुर्बल और युद्ध के विषय में दी हुई, तो लगता है कि खतरे हमारे पड़ोस में भी सुलग रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश जैसे बड़े देश हैं और मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और बर्मा जैसे छोटे भी। एक साल पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 21वीं सदी के तीसरे दशक का मध्य पूर्व अपने सबसे खतरनाक दौर की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। आज बात करेंगे भारत में 5 फ्रंट वॉर के खतरे और दुनिया में जो चल रहा है उसके ऊपर। अमेरिका में चुनाव एक मोड में है और दुनिया में अस्थिरता का जो माहौल है, यूरोप का बहुत एक बड़ा हिस्सा छोड़ दें, यूक्रेन वाला अगर छोड़ दें और यूएस को छोड़ दें, तो बाकी दुनिया अस्थिर नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बर्फ की तरह शांत है। अगर हम बात करें फिर ऑब्जर्व हिंदी के प्रधान संपादक अतुल सिंह के शब्दों में, जब उन्होंने पिछले साल 5 फ्रंट वॉर का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने 5 खतरों की बात कही थी, जिसमें उन्होंने इंटरनल खतरे बताए थे कि साम्यवादी उग्रवाद, नागा उग्रवाद और विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में उपजी समस्याएं, पंजाब में जो उग्रवाद हैं, कश्मीर में चल रही समस्याएं, ये आंतरिक और बाहरी खतरों में चीन, पाकिस्तान और दोनों तटीय इलाकों पर नौसैनिक घुसपैठ और देश में कट्टरपंथियों की बढ़ती संख्या। और इस वीडियो में अतुल सिंह ने कहा था, जिसको आप ऊपर लिंक पे देख सकते हैं, कि भारत और चीन और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के बीच 3000 किलोमीटर से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है, जो भारत को दोनों तरफ से हमलों के लिए असुरक्षित बनाती हैं। भारत की तटरेखा कितनी सुरक्षित है, मुंबई हमलों में हम देख चुके हैं। पाकिस्तान चूंकि चीन का कर्जदार है और उसका उपकृत राज्य के रूप में अक्सर काम करता है, ऐसे में भारत के लिए खतरों का जोखिम बढ़ता है। और देश में कट्टरपंथियों की बढ़ती संख्या एक बड़ा मोर्चा माना जाता है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अरब स्टाइलिंग का जो इस्लाम है या इस्लाम का अरबीकरण और युवा मुसलमानों द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह हाफिज, केरल में इस्लामिक स्टेट के लिए जिस तरह से लोग तैयार हुए हैं, पकड़े गए हैं, अगर 1% हिस्सा इस कट्टरपंथ की भेंट चढ़ता है कुल आबादी का, तो ये संख्या 20,000 के आसपास पहुँचती है, जो देश के लिए खतरनाक हो सकती है। खैर, खतरे भीतर भी हैं, खतरे बाहर भी, और ये खतरे क्या हैं और इनको लेके ही एक दिन पहले आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट था दशहरे के वार्षिक उत्सव में, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब युद्ध करना पहले जैसा आसान नहीं रहा है। वैसे युद्ध कभी आसान नहीं रहा, अब युद्ध को मंत्र विप्लव कहते हैं अपनी परंपरा में। उनको देश में भी अपने जैसे कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन समाज में ये टकराव बड़े बन गए, तो किसी एक का पक्ष लेकर उनके पीछे खड़े रहने को पर्याय पॉलिटिक्स कहते हैं, राजनीति कहते हैं। और उन्होंने साफ कहा कि पाश्चात्य देशों से कई पुस्तकें निकल रही हैं, भारत के सीमावर्ती देशों में इसके चलते क्या क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। और मोहन भागवत आशंका जताते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आगे ना बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियाँ भी दुनिया में हैं, भारत को दबाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, चालें चल रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है। और उन्होंने कहा, भारत सबकी मदद करता है, आगे बढ़ रहा है, और जो देश आगे बढ़ता है उसकी राह में अड़ंगा लगाने वाले लोग भी होते हैं। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया और कहा, बांग्लादेश में क्या हुआ, उत्पात के कारण वहाँ के हिंदू समाज पर अटैक हुआ, हिंदू पर अत्याचार हुआ, हिंदू वहाँ अपने बचाव के लिए सड़क पर आया, लेकिन बचाव हुआ थोड़ा,
कट्टरपंथी जब तक है तब तक अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होगा। हिंदू को सोचना होगा कि अगर हम दुर्बल हैं और असंगठित हैं तो गलत हैं। जहां हैं वहां संगठित रहो, हिंसक मत बनो, लेकिन दुर्बल नहीं रहना है। जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि हिंसक, दुर्बल और युद्ध की परिभाषाएं जिस तरीके की दी गई, तात्कालिक कारण और अन्य कारणों पर जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि दुर्बल रहना अपराध है। व्यवस्था जरूर आपको सबल बनाती है, सपोर्ट करती है, मदद करती है, लेकिन जब तक व्यवस्था पहुंचती नहीं तब तक आप प्रतिकार कीजिए, ऐसा मोहन भागवत ने कहा है। चुनौतियां जो है वो कभी अच्छी होती हैं, कभी खासा नकारात्मक भाव में होती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मानव जीवन पहले की तुलना में भौतिक रूप से अधिक खुशहाल हैं, लेकिन इसके बावजूद कई तरह के संघर्ष जारी हैं। मोहन भागवत इसराइल के साथ हमास के युद्ध की बात करते हैं, दुनिया पे पड़ने वाले असर की बात करते हैं, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनावों का जिक्र किया और कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। उनका शांतिपूर्ण पे बल देना और भाजपा हरियाणा में जीती है उसके अलग तरीके से उल्लेख करना, दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट नज़र आती हैं। लेकिन हम अगर बात कर रहे थे दुनिया की, गाजा की, फलस्तीन की, इसराइल की, तो संघर्ष सभी जगह चल रहा है। बाजारवाद वैश्वीकरण के दौर में चल रही दुनिया में फिलहाल सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है, घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, और देखें तो नीति निर्माता और हम में से कई लोग तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गाजा में संघर्ष का दूसरा साल शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में क्या होगा इसकी चर्चाएं बंद हैं कि युद्ध विराम, बातचीत से हल निकलता है। कई नेताओं की यात्राएं, मोदी की चाहे वो रूस यात्रा रही हो, मोदी की चाहे यूक्रेन यात्रा रही हो, क्योंकि संघर्ष के समाप्त होने पर पुनर्वास और शासन को लेकर बातचीत का क्या, कहें कि चर्चाएं व्यापक युद्ध के शोर में गुम हैं। फलस्तीनियों के साथ इसराइल के संघर्ष के समाधान की सार्थक चर्चाएं भी बंद हैं। वह समय कब आएगा जब इसराइल को लगेगा कि उसने हमास और हिजबुल्ला को एक पर्याप्त नुकसान पहुंचा दिया है, और शायद तब तक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव निपट चुके होंगे, और शायद इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीति को एक और मौका मिल सके, क्योंकि इसराइल और ईरान दोनों का अब कहना है कि वो इस क्षेत्र को और गहरे संकट में नहीं डालेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर की बात है। तो दुनिया में जो ये अस्थिरता का माहौल है, भारत से लेके सुदूर अरब तक, भारत से लेके रूस तक, यूक्रेन तक, तमाम पूरी दुनिया जो है वो एक ऐसी खाई में है। फाइव फ्रंट वॉर का हमने जिक्र किया, मोहन भागवत के बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने हिंदुओं की चर्चा की है और कट्टरपंथ का उल्लेख किया है, लेकिन दूसरे पक्ष पर भी बात करना बनता है। वो पक्ष, उसका भी एक पक्ष होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और एफओ हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।